हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हर कोई भोले बाबा को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि सावन के महीने में भोलेनाथ को खुश करके अपनी मनचाहे इच्छा को पूरी कर ले, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर ले। कई बार आप दोस्तों ऐसी गलती कर देते हैं या कर बैठते हैं से शिव क्रोधित हो जाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि शिव जितने भोले हैं उतना ही उनका क्रोध विनाशकारी होता है। लिए आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लें। दोस्तों, सावन के महीने में ऐसे कई काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, आप भी भोले बाबा की भक्ति पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सावन में सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं? सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने को भक्तों का बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है। भक्तजन सावन के महीने की काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा करते हैं और सावन का महीना आते ही भोले बाबा की श्रद्धा भाव में लग जाते हैं, पूरी तरीके से श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। वो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से भोले बाबा का व्रत करता है सावन सोमवार में, तो भोले बाबा उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। भोले बाबा की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन व्रत में ये चीज़ नहीं खानी चाहिए जो हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। विशेष ध्यान रखना है आपको कि इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको गन्ने का जूस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसमें गन्ने के जूस में वो लोग नमक का सेवन कर देते हैं, नमक डाल देते हैं, जिससे कि हम गन्ने का जूस हमको नहीं पीना है और अपने को किसी भी तरीके का जूस भी नहीं पीना है। उसमें भी उनके पात्र में पहले से नमक डला हुआ होता है, जिससे कि हमारा व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए अपने को किसी भी चीज़ को जूस नहीं पीना है अपने को घर पर। लेकिन आप अपने मशीन से अगर निकालना चाहें तो जूस निकाल कर स्वयं अपने हाथों से बनाकर पी सकते हैं, लेकिन बाहर से मार्केट से लेकर अपने को जूस नहीं पीना है, जिसका विशेष ध्यान रखें। और कौन कौन से फल हैं जो अपने को नहीं खाने चाहिए, ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। फल सभी हम खा सकते हैं, जो भी अपने पूजा पाठ में आते हैं वो सभी फल हम खा सकते हैं, लेकिन किसी भी फल पर हम नमक लगाकर नहीं खा सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी फल पर हम नमक लगा कर नहीं जा सकते। अगर आपको नमक लगा के खाना है तो आप सेंधा नमक को प्रयोग कर सकते हैं, उसको लगाकर आप किसी भी फल में खा सकते हैं। जो जो फल हम को खा सकते हैं वो पूजा में वो सभी फल हम खा सकते हैं, उन्हीं पर सेंधा नमक लगाकर हम उनका सेवन कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है अपने को कि सेंधा नमक का प्रयोग करके हम खा सकते हैं। अपना शाम को जो हम खाना बताते हैं उसको कुटी के आटे से हम बनाकर खा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, किसी भी पात्र में अपने को नमक का प्रयोग नहीं करना है। जो सादा नमक होता है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को व्रत में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको खट्टी चटनी वगैरह कुछ भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। प्याज लहसुन इन चीज़ों से तो हमको छूना भी नहीं है सावन के महीने में, इन चीज़ों का तो स्पर्श भी नहीं करना है अपने को। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये दो खंडित जो चीज़ें हैं ना, इन दोनों का तो अपने को सेवन भी नहीं करना, छूना भी नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है अपने को, प्याज और लहसुन दोनों का सेवन नहीं करना है अपने को। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फल में आप केला संतरा मौसम्मी जूस वगैरह जूस नहीं पी सकते, बाहर का नहीं पी सकते, अपने घर का बनाकर पी सकते हैं अपना। ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। फल में अंगूर वगैरह हम सभी व्रत में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतरा मौसम्मी वगैरह सभी फल खा सकते हैं, भोले बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और भोले बाबा की सच्चे मंत्र आराधना करते रहें। और सावन के महीने में और भी कई नियम हैं जिनको विशेष करके हमको ध्यान रखना है। जैसे कि सावन के महीने में हमको पूजा करते समय विशेष ध्यान रखना है कि अपने को व्रत रखते समय ये भी चीज़ विशेष तरीके से ध्यान रखनी है कि हमको गाली गलौज का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल साधारण तरीके से अपने को रहना है और अच्छी श्रद्धा भाव से भोले बाबा का स्पर्श करते रहना है पूरे दिन। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव का जाप करते रहना है और बोलते जाना हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, भोले बाबा के भजन गाने अपने को। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपने को हर तरीके से भोले बाबा की श्रद्धा अपने ऊपर बनी रहे, इस कृपा अपने ऊपर बनी रहे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखकर अपने आपको भोले बाबा के लिए तैयार रखना है और सेब का सेवन आप करें आराम से, मन श्रद्धा भाव से। फल के ऊपर आपने अगर व्रत रखा है तो फल का सेवन करें, फल कोई से भी खा सकते हैं हम।
इस चीज़ के बिल्कुल कोई वो दिक्कत नहीं है अपने को। और बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें हर हर महादेव, और वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बोलिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।